हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर क्रिस्पी और टेस्टी आलू मसाला सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही बच्चों को पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने तेल डाल दिया है फ्राई पैन में, ये नॉनस्टिक फ्राई पैन है मेरे पास। और सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, उसके लिए मैंने थोड़ा इसके अंदर जीरा डाला है एक आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही मैं राई डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डालने के लिए मसाले में प्याज है, गाजर है और शिमला मिर्च है, इन सबको बारीक कटिंग कर ली है, और प्याज के ऊपर थोड़ी हरी मिर्च भी डाली है मैंने। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, इसको इतना ही फ्राई करना है, कलर नहीं आए इसके ऊपर, ब्राउन कलर और क्रंचीनेस भी इसमें रहे। अब इसके अंदर हम ये गाजर की बारीक कटिंग है, ये चॉप किए हुए गाजर है, ये डाल देते हैं और इसको भी फ्राई करेंगे। और कोई भी छोटी मोटी भूख हो, सुबह शाम का नाश्ता हो, आप इसे बना सकते हैं। ये थोड़ी सी अदरक डाल दी है मैंने, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये शिमला मिर्च है, बारीक कटिंग करी हुई है, चॉप कर लिया था मैंने इनको, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इन सबको लो गैस पे फ्राई कर लेना है। और ये रेसिपी इतनी इजी है, इतना आसान है इसको बनाना। ये तीन आलू बॉईल करे हैं मैंने, इनको फ्रिज में रखा हुआ था तो निकाल के मैश कर लिया है। ठंडे आलू मैश करेंगे ना तो अच्छी रेसिपी बनेगी, एकदम गरम आलू उबाल के और फिर गरम मैश नहीं करना है। इनको इस तरह से प्रेस करेंगे, हल्का हल्का प्रेस करने से ये मर्ज हो जाएंगे सारे मसाले में भी, और अच्छी तरह से सिक जाएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम गैस रखेंगे। और अब हम मसाले डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है मैंने, और थोड़ी सी हल्दी डाली है आधी चम्मच के करीब, और ये नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये अमचूर है, पिसी हुई अमचूर डाल दी है, इससे चटपटा टेस्ट हो जाएगा। अमचूर की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरह से प्रेस करके सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो लो गैस पे ही हमें इनको फ्राई करना है। और अब ये लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है मैंने छोटी छोटी कटिंग करके। देखिए, मसाला अच्छी तरह से मैश भी हो गया है और सिक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने ये टमाटो केचप लिया है और हरी चटनी ली है, और ये आलू का मसाला ठंडा हो गया है, दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब एक स्लाइस पे टमाटो केचप लगा देंगे, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चे भी बना सकते हैं। मैं मेनली बिगिनर्स के लिए बनाना आपको बताती हूँ, जिनको कुछ भी खाना बनाना नहीं आता है
और अभी अभी जिन्होंने शुरू किया है या न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनके लिए, जो घर छोड़ के बाहर रहते हैं उनके लिए भी मैं बताती हूँ, ताकि आसानी से वो बना सके। ये हरी चटनी भी स्प्रेड कर दी है और टमाटो केचप भी स्प्रेड कर दिया है ब्रेड की स्लाइस पे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अब ये जो आलू का मसाला है ठंडा हो गया, इसको हम इस तरह से प्रेस करके ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। और ये दूसरी वाली स्लाइस थोड़ा सा इसको प्रेस करके और लगा देंगे। अब अमूल बटर आप ले सकते हैं, मेरे पास ये भी है, लेकिन मैं देसी घी का यूज करूँगी, मुझे वही अच्छा लगता है, तो घी डाल दिया है मैंने। ये नॉनस्टिक तवा है। इस रेसिपी को आप बिना सैंडविच मेकर के सिर्फ तवे पे बना सकते हैं और इतना क्रिस्पी क्रंची बनेगा ये सैंडविच, आलू मसाला सैंडविच। अब घी लगा दिया है मैंने ऊपर, और नीचे भी लगा दिया था, उसके ऊपर सैंडविच रख दिया था और फिर ऊपर भी इस तरह से देसी घी लगा दिया। घी लगाने से ज़्यादा क्रंचीनेस आएगी, इसलिए मैं इसको यूज में ले रही हूँ और अमूल बटर को यूज में नहीं ले रही हूँ। इस तरह से नीचे से जब क्रिस्प हो जाएगा तभी हम इसको पलट देंगे, और लो गैस को लो ही रखना है, मीडियम टू लो। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ऊपर से क्रंची बना है। इसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं ये आलू मसाला सैंडविच खा के। और बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, इतना सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी है, ये इतना क्रिस्पी होता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये सैंडविच बन गया है, अब इसे मैं प्लेट में डाल देती हूँ। दोनों तरफ से क्रंची क्रिस्पी हो गया है, इसे मैंने टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं सैंडविच कितना क्रिस्पी ऊपर से है और अंदर से सॉफ्ट है। तो आप भी ट्राई कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।